अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से अब जो राम मंदिर का जो मॉडल है वो दिवाली से पहले अब सराफा बाजार में भी आ गया है। चांदी का राम मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा है और चांदी और सोने के भाव भले ही तेज हो लेकिन लोगों में खरीदारों में जो जुनून है वो बढ़ रहा है। और इस बार सबसे खास जो हम आपको न्यूज 18 लोकल के आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं वो चांदी का ये राम मंदिर मॉडल देखिए आप, हूबहू अयोध्या में जिसमें भगवान प्रभु श्री राम विराजमान हैं ठीक उसी मॉडल की तर्ज पर, उसी मंदिर के मॉडल की तर्ज पर ये चांदी का बेहद खूबसूरत मंदिर बनाया है। इसके साथ में चांदी की और भी कई तरीके की रंग बिरंगी मूर्तियां मौजूद हैं, आप तस्वीरों देख सकते हैं। बांके बिहारी जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, राम दरबार है, लक्ष्मण गणेश जी की मूर्ति है, कामधेनु गाय है, लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा जो डिमांड में है वो राम मंदिर मॉडल है। और इसके पीछे की वजह यही है कि इस बार जब राम मंदिर स्थापना हुई उसके बाद पहली दिवाली है और पहली दिवाली पर लोग राम मंदिर को अपने घर ले जा रहे हैं। शिवम चौहान जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि राम मंदिर मॉडल की बड़ी धूम है तो किस तरह से लोगों का नजरिया है, किस तरह से लोग खरीद रहे हैं, कितनी डिमांड है? राम मंदिर की मूर्तियों की अच्छी डिमांड है, अभी मार्केट में लोग राम मंदिर की मूर्ति अभी अच्छे से खरीद रहे हैं, छोटी बड़ी हर साइज में मूर्ति खरीद रहे हैं। अभी हमारे मार्केट बहुत अच्छा है, अभी चांदी महंगी है उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं, चांदी महंगी है उसके बावजूद भी अच्छी सेल है बाजार में, अच्छी डिमांड निकल रही है। आप बताइए समझिए कैसे, मतलब राम मंदिर मॉडल की बड़ी धूम है, लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं, क्या खासियत है इसकी और किस तरह का पूरा कारोबार है? खासियत यही है सर कि आप इसकी फिनिशिंग देखिए, जैसे आप अयोध्या जाओगे सेम टू सेम, आप अयोध्या जाओगे सेम टू सेम वैसे ही बिल्कुल बनाया हुआ है इसको, तो आदमी इसी चक्कर में इसको ज्यादा खरीद रहा है और आदमी इस टाइम प्रभु श्री राम के उसमें तो मग्न है, इसी चक्कर में आदमी ये राम मंदिर ले रहा है। ये भी वजह मानते हैं कि इस बार पहली दिवाली है राम मंदिर बनने के बाद में तो लोगों में ज्यादा उत्साह है। हाँ इस बार लोगों में ज्यादा उत्साह है क्योंकि हर इस टाइम सबके मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। ये देखिए हमारे पास राम दरबार भी है, आदमी ये भी बहुत खरीद रहा है, प्रभु श्री राम का मंदिर ये खरीद रहा है। दोनों का सर वजन और कीमत अगर देखिए आप, जो ये राम दरबार है ये अपना 300 ग्राम का है, इसकी कीमत लगभग 51,000 रुपए है ओवरऑल कॉस्ट विथ लेबर। और ये आपका जो राम दरबार है इसकी है सर ये 100 ग्राम का है सर और इसकी कीमत होगी आपकी 20,000-22,000 रुपए की इसकी कीमत है। दोनों ही चीजें जो है बड़ी ट्रेंड में लोग खरीद रहे हैं, ट्रेंड में खरीद रहे हैं। और लक्ष्मी गणेश जी तो सर देख ही सकते हैं आप, हमारे लक्ष्मी गणेश जी। अगर सर कोई अगर अपनों को इस दिवाली पर अगर कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहे सिल्वर का चांदी का तो वो क्या दे सकता है सर? कुछ भी, लक्ष्मी गणेश जी बहुत चीजें हैं गिफ्ट में, बहुत 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 सारी मूर्तियां हैं, आप इतनी मूर्तियां हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर मूर्ति अच्छी लग रही है। लक्ष्मी गणेश जी देखिए पहले सिंपल आते थे, अब देखिए कितने कलरफुल है, आदमी को यही चीज लुभा रही है, ये चीज पसंद आ रही है तभी। पहले सर सिल्वर में हम देखते थे केवल सफेद कलर की मूर्तियां आती थी लेकिन इस बार आपके पास कलर्ड में बहुत है, बहुत है इस समय। क्या खासियत है? खासियत में ये है इसमें सर, एक तो मीना बहुत कारीगरी ज्यादा है इसके अंदर और इसमें डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी है। तो लोगों की शिकायत रहती है अक्सर ना सिल्वर काली पड़ जाती है तो नहीं, क्या नहीं, नहीं सर, सर बिल्कुल भी काली नहीं पाएगी सर, ये बिल्कुल 49 है, बिल्कुल 49 की मूर्तियां सर, तो गिफ्ट देने के लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छी है। 49 की मूर्तियां है, ये वो नहीं है 50% 60% सिल्वर है, प्योर 49 100% सिल्वर है। जैसी आप मूर्ति ले जाओगे 4 साल बाद 5 साल बाद सेम टू सेम ऐसी रही, कोई चेंज नहीं। देखिए दिवाली और धनतेरस से पहले आगरा के सराफा बाजार में रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इस बार जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो राम मंदिर मॉडल और राम दरबार है, इसे लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। वजह यही बताई जा रही है कि इस बार राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से पहली दिवाली है और उसके साथ में कई सारी कलर्ड मूर्तियां इस बार धूम मचा रही हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।